जगदीशपुर एएसपी दयाशंकर की शेखपुरा की एसपी बनाए जाने पर आरा के एक स्थानीय होटल में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने मोमेंटो देकर किया सम्मानित। आज दुख का भी समय है, खुशी का भी समय है। खुशी इस बात की दयाशंकर का प्रमोशन हो गया है, वो एसपी बनकर अपने जिले में जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनके साथ काम करने का जो मौका मिला शायद अभी हाल फिलहाल नहीं मिलेगा, तो काफी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। उनके साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट करता काम किया था, बहुत डायनेमिक ऑफिसर है और कई तरह की समस्याएं हैं कि रात भर घूम घूम कर इन्होंने रोड पर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। बक्सर में जस्ट घटना हुई थी, काफी सारे लोग टेंशन में थे, दयाशंकर ने एश्योर किया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी। रात भर करना ये बहुत इनके डिवोशन को दिखाता है, इनके साथ काम करने में काफी मजा आया मुझे, बहुत मजबूत स्वभाव के हैं, ये काम को बहुत सीरियसली लेते हैं और काफी अच्छा लगता है इनके साथ काम करने। ऑल द बेस्ट फॉर विजय जी के हम लोग आदि हो चुके हैं, मंच संचालन जहाँ भी हम लोग जाते हैं प्रोफेसर साहब को ही पाते हैं और वाकई बहुत कुशलतापूर्वक ये मंच का संचालन करते हैं। आज के आकर्षण के केंद्र जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, दयाशंकर जो यहाँ से पुलिस अधीक्षक शेखपुरा में पदस्थापित होकर यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग सुविधा लेकर जिला पदाधिकारी महोदय, डीटीसी साहब, डीएम साहब, एसपी ऑपरेशन साहब, एसपी सदर साहब, एसडीओ ब्यूरो, एसडीपीओ ब्यूरो, जिले के अन्य पदाधिकारीगण, पुलिस कर्मीगण, जो डॉक्टर साहब भी आए हैं देख रहे हैं, डॉक्टर विकास और मीडिया से जो बंधु आए, आज गम का तो माहौल नहीं कहूँगा मैं, खुशी का ही माहौल है हमारे लिए कि दयाशंकर यहाँ से पदोन्नति पाकर जा रहे हैं। करियर की शुरुआत है, सभी को इसमें से गुजरना पड़ता है, इनका कार्यकाल थोड़ा सा लंबा खींच गया उस समय लोग, लेकिन चलिए दुर्घटना से देर बजे जो बोलते हैं तो अंततः आपकी पदस्थापना हुई है शेखपुरा में, आप बहुत अच्छे से चलाएंगे हमारे पूरा मंदिर। दयाशंकर की जो खासियतें हैं जो इन 8 महीनों में मैंने महसूस की है, एक सुजय व्यक्ति हैं, पैनिक नहीं करते हैं, जो एक प्रशासनिक पदाधिकारी के अंदर होना चाहिए, खास करके जब आप भविष्य में जाकर किसी जिले की कमान संभालने वाले हों या किसी अनुमंडल का ही कमान संभाल रहे हों तो उस पर पैनिक मोड काफी चमक चेहरे पर भी है। दयाशंकर जी की चेहरे हमेशा एक रौनक रहती है और उस रौनक को हम लोग बरकरार देखना चाहते हैं कहीं में भी। मैं राज्य के मुख्य जिलाधिकारी महोदय मैं सीए सुनील कुमार पुलिस एसोसिएशन करते हैं सुनील कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, या प्रशासनिक सेवा हो उसमें जाने वाले लोगों को ये देश के काफी अंदर से प्रफुल्लित होंगे तो वहाँ के वातावरण से रूप बदलाए भाग जाएगा। जैसे आजकल मेरे भोजपुर जिला से पुलिस कर्मियों का रूप बदलाए भाग गया, अब कहा भाग गया है आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मस्जिद से नहीं बताया जाता है, कुछ कुछ दिल से सोचने से भी पता चल जाता है। ज्यादा बोल दूंगा, पहले भी माफी मांग चुका हूँ कि मंच कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ से अलंकृत भाषाओं का हिंदी है, प्रोफेसर साहब इतने बढ़िया हिंदी बोलते हैं, मैं बंगाल में पढ़ा हूँ उतना हिंदी बढ़िया से नहीं जानता हूँ, अब प्रयास कर रहा हूँ मन पर बोलने की आदत डाल रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब से कुछ हिंदी सीखे, हम बंगला पढ़े उतना आइडिया नहीं रहा हिंदी के बारे में, थोड़ा हिंदी कमजोर भी है लिखते मगर अच्छा है। प्रोफेसर साहब जैसे हम अपने साहब के पास जाते हैं तो सर को देखते ही भूल जाए। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकास, उपस्थित सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, सभी थाना प्रभारी, मुझे जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि लग ही नहीं रहा है कि फेल गई, वाकई मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा है, उनके जाने से एक व्यक्ति भी दुख नहीं हो रहा है, सिर्फ सुख का अनुभव हो रहा है, वो इसीलिए कि अब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जा रहे हैं इनके लिए एक मतलब जब कोई आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि एसपी के रूप में
जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो एसपी का रोल होता है, और वही रोल प्राप्त करके यहाँ से जा रहे हैं, इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। इसीलिए मुझे दुख नहीं है, मैं अंदर से बहुत प्रसन्न हूँ। और मैंने इसे जब कुछ दिन पहले बात भी की थी, जल्दी भी आपको शंका है कि आपको कुछ नया गुड न्यूज मिलने वाला हो, और भगवान की दया से इनको कुछ गुड न्यूज मिल भी गया, तो सबसे पहले मैं इनके लिए इसके लिए इनको बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, यदि कुछ दिन और रहते तो वाकई मेरे लिए बहुत अच्छा होता। और क्योंकि इनको सारी जानकारी है जगदीशपुर की, वाकई मेरे लिए बहुत अच्छा रहता यदि ये रहते, हमें बहुत सुविधा होती। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से, हर प्रकार से हम लोग जो न्यूज वर्सिंग होता है उसको अच्छे से और अच्छे से कर पाते। अब जो मंजीत जो यहाँ पर आने वाले हैं, गया है हम लोग जब थे, मैं और अब्बास थे, तो वहाँ पर मंजीत जो है प्रोफेसर थे, तो उनको हम लोग ये एडवाइस दे कि गया से जरूर सलाह लें, इनको जितनी जानकारी है इतने दिन रह चुके हैं यहाँ पर, तो ये उनके लिए अच्छा फीडबैक होगा। दूसरी बात, दया के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक इनको कभी भी सैड अवस्था में मतलब थोड़ा दुखी नहीं देखा है, हमेशा हंसमुख टैलेंटेड, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ, कभी ये आपके सामने दिखाएंगे नहीं ये कोई बड़े पदाधिकारी है, हमेशा मतलब दूसरे को सीट लेने के लिए बोलेंगे, ये थोड़ा बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मतलब इतना महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी इनके द्वारा जो एक अपने बारे अपने संबंध में जो डाउन टू अर्थ वाला एटीट्यूड दिखाया जाता है, वह जो है इनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और ये उनका जो व्यक्तित्व है, यही व्यक्तित्व उनकी मतलब उनमें चार चांद लगाता है। जैसा किसी साहब ने कहा कि जहाँ भी रहें चाहते रहें, पुलिस अधीक्षक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत मतलब अब तक जो ऑपरेशन तमाम उपस्थित सम्मानित पुलिसकर्मियों एवं अन्य सदस्य, इस जिले में मैंने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की थी 2 जनवरी 2016 को, उस दौरान नदी से खास रेस्क्यू हुआ करते थे। तो नदी से की एक खास बात थी सर, नदी से की खास बात थी, जिले में जहाँ कहीं भी अगर उनको कोई सरकटा लाश मिलता था तो सबसे पहले सुबह और रात को वहाँ पर हमें भेज देते थे कि भाई जाओ वहाँ पर देखो कि क्या है। इससे सबसे पहला केस हमें ध्यान आ रहा है जब रेशु साहपुर में साहपुर थाना इंचार्ज थे, रेशु की ट्रेनिंग भी यहीं हुई थी, और उस दौरान हमने ट्रेनिंग ज्वाइन ही किया था। 5 दिन के बाद हमें सुबह सुबह 7 बजे सर का फोन आता है कि बरिसवन प्रधान में बॉडी पड़ी हुई है, जाकर देखो क्या है। जब हमने गया वहाँ पर, उसके बाद एक महिला की बॉडी पड़ी हुई थी जिसका चेहरा पूरी तरह से स्किन कर दिया गया था, उतार दिया गया था, और वह एक तरह से ब्लाइंड केस था। तो मैंने रेशु की मदद से और उस समय जो वहाँ के थाना दवा के एजेंट की मदद से इस केस को हमने इन्वेस्टिगेट किया, और फाइनली जो कल्प्रिट था वो BSF का हवलदार था, जिसे हम लोगों ने पकड़ कर जेल भेजा। और जब दोबारा मैं टेनर पे आया यहाँ पर, तो मुझे सबसे सुखद समाचार ये मिला कि उसे उम्र कैद की सजा हो गई है। तो बहुत सारी यहाँ पर यादें हैं, द्वारा दिया गया यह प्रतीक चिन्ह नमन 1870 अच्छा लगेगा। आप भी हमारे सभी लोग, अर्पण कुमार जी, मुख्य प्रकाश जी, सुबोध कुमार जी, सभी लोग हसी के पुलिस इंस्पेक्टर का आप आ जाइए मंत्र। ये जो वीडियो को मनाया
इतिहास दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री के कर कमलों से उसी लोगों को पहली बार प्रदान किया जा रहा है पब्लिकली या पुलिस प्रशासन में ही कैंपस में, तो वैसे में